बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड इन्फो चैनल। तो आज मेरी कोशिश हुआ करेगी कि सुबह टाइम जो मैं आपके साथ वीडियो वगैरह शेयर किया करूं, उसके अंदर जो है वो मार्केट की सूरत हाल आपके साथ शेयर किया करूं। क्योंकि जब भी आपको ट्रेड लेते हैं, डे ट्रेड लेते हैं, या आप जो है वो मंथली ट्रेड लेते हैं, या लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, या उसके अलावा वीकली ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों किस्म के जो चीज़ों के साथ जो है एनालाइज करके रखें, यानी कि फंडामेंटल्स तौर पर भी और टेक्निकल्स तौर पर भी। अगर आप फंडामेंटल्स तौर के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेड ले लेते हैं, तो भी आपके जो है 50% चांसेस होते हैं कि भी आपकी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव जाए। और अगर आप टेक्निकल तौर पर तकरीबन देखते हुए अपनी ट्रेड लेते हैं, तो भी 50% चांसेस होते हैं कि भी आप इस ट्रेड से जो है वो फ़ायदा हासिल करके इस ट्रेड से आप निकलेंगे। लेकिन अगर आप दोनों फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों तौर के ऊपर अगर आप चेक करते हैं, तो आपके तकरीबन 80-85% चांसेस हो जाते हैं कि भी आप अपनी ट्रेड जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉफिट गेन करके लेके जो है वो मार्केट से निकल सकते हैं। तो इसलिए मेरी जो है कोशिश हुआ करके सुबह टाइम में आपके साथ जो है वो फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करूँ, और रात के टाइम में आपके साथ टेक्निकल जो है वो चीज़ें शेयर करूँ, यानी कि मुख्तलिफ कॉइन जैसे XRP है, उसके अलावा इथेरियम है, लाइट कॉइन है, बिटकॉइन है, इनके जो एनालाइज है, इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ जो है वो शेयर करूँ कि भी आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। मेरी तो आप सबसे गुजारिश ये होती है कि भी आप स्पॉट ट्रेडिंग करें, ताकि आपका जो है वो कम से कम नुकसान होने का जो है वो हो। बेशक हमें थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन जो है वो हमारा नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। अगर आप जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा तो होते हैं गेन करने के, लेकिन अगर आपकी एक ट्रेड भी जो है वो ख़राब होती है, तो आप जो है वो सारी चीज़ें अपनी गंवा सकते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि भी आप फंडामेंटल और टेक्निकल तौर दोनों तरफ देखते हुए जो है वो कोई भी ट्रेड जो है वो आप लें किसी भी टोकन के अंदर। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप दोस्त बहन भाई तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले जो है वो आपको आज, अगर आपको पसंद आया कि मैं आपके साथ इसी तरीके से फंडामेंटल तौर पर चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूं, तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं कि भी हमें जो है वो ये मुझे अपनी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करते रहना होगा। तो फिर मैं आपके साथ ये वीडियोस वगैरह फंडामेंटल तौर पर शेयर करता रहूँगा, और रात को टेक्निकल तौर के ऊपर जो है वो आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर किया करूँगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरा जो है वो हौसला अफज़ाई करें, और जो है वो आप कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब वगैरह कर दें, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो सदा आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए, और वीडियो को कम से कम मैं बनाना चाहूँगा, ताकि मुझे थोड़ा सा जो है वो लोग देखते हुए रिटेट भी ना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जो है न्यूज़ वगैरह शेयर होती रहे। तो अगर आप इस वक्त देखें तो जो क्रिप्टोज़ है वो 18,836 जो है वो कॉइन जो है वो कॉइन मार्केट कैप के अंदर जो है शामिल हो चुके हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देखेंगे 17,000 समथिंग भी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये 19,000 को टच होने लगी है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कितना रुझान आ रहा है, लोग इसके बारे में कितना जानना चाह रहे हैं और कितना इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इस वक्त देखें तो तकरीबन जो मार्केट है वो तकरीबन जो है वो रेड के अंदर नज़र आ रही है, कुछ ज़्यादा पम्प शम्प नहीं है, ग्रीन नहीं है, तकरीबन रेड के अंदर आ रही है। तो मैं आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करता हूँ कि भी किस वजह से जो है वो ये इस वक्त रेड के अंदर हमें जो है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप चेक सकते हैं तकरीबन जो है वो टोटली रेड ही है, टोटली रेड ही है, कोई ग्रीन कोई नज़र नहीं आ रही मुझे। अगर आप इस वक्त बिटकॉइन देखें तो 40,000 समथिंग है, यानी कि तकरीबन 41,000 पे है, यानी कि 40,100 पे है। और इथेरियम आप चेक कर सकते हैं 30,000 पे है। टीथर $1 का इस वक्त पूरा $1 पे जा रहा है। BNB, USD कॉइन, XRP, सोलाना, दूसरे कॉइन्स भी अगर आप चेक करें तो तकरीबन रेड के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ जो है तकरीबन इसका जो है वो ओवरव्यू तो शेयर किया, लेकिन मैं आपके साथ जो है वो इसके फंडामेंटल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शायद शेयर करूँगा कि फैशन ब्रांड ज़ारा लॉन्च फर्स्ट सोलो कलेक्शन इन द मेटावर्स, यानी कि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है ज़ारा, लेकिन ये अपने आप को जो है सोलो क्रिएट करके मेटावर्स के अंदर डाल रही है। यानी कि आप देखें एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, पहले रेडियो था एडवर्टाइजमेंट के लिए, फिर उसके बाद टेलीविज़न आया, फिर उसके बाद अब YouTube है, TikTok है, तो तकरीबन काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने जो है वो चीज़ों को जो है वो ब्रांड को अपना सामने दिखाती हैं लोगों को, यानी कि पब्लिसिटी करती हैं।
तो व्हाट्सएप हमने यूज़ किया, फेसबुक हमने जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अब टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर मेटावर्स है, जहाँ पर आप चीज़ें या खुद देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी एक अच्छा जो है वो स्टेप जो है वो आगे बढ़ाया मेरे देखने के अंदर। जो है वो आप देख सकते हैं कि ज़ारा जो है उसको लॉन्च कर रही है, और इसके अंदर मेटावर्स के अंदर, और अपनी पब्लिसिटी करेगी। और यहाँ देख सकते हैं कि अभी और भी चीज़ें, ये NFTs भी अपने देंगे, वह काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें जो है वो शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेटावर्स डिसेंट्रलाइज है, विद मेटावर्स लाइव डिसेंट्रलाइज। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज है, आप सबको पता है। अगर आप नए हैं देखने वाले, तो मैं आपको भी बताता चलूँ कि ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को डिवेल्प करने के लिए। और यहाँ पर 3D डिज़ाइंस वगैरह भी होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द 3D डिज़ाइंस आर सिंपल इन स्टाइल, रिफ्लेक्टिव द करंट फैशन डिमांड अक्रॉस द हाई स्ट्रेट शॉर्ट्स ग्रीन ड्रेसेस वगैरह। यानी कि तकरीबन जो है वो ड्रेसेस वगैरह इसके अंदर जो है वो अपने आपके सामने जो है वो पेश करेंगी। तो ये तो एक अच्छा जो है वो मेरे देखने के अंदर एक स्टेप है। सेकंड नंबर पे आपको बताता चलूँ कि जो हमारे सबसे बड़े और एक नामवर जो है वो शख्सियत है, एलन मैक साहब, जो इस वक्त जो है दुनिया में सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने जो है ट्वीट किया कि दिस वीक ऑन क्रिप्टो ट्वीट, इस वीक के अंदर एलन मैक्स ज्वाइन, डू यू बाय मोर बिटकॉइंस। यानी कि वो कह रहे हैं कि भी मोर बिटकॉइंस जो है वो बाय करें, उसके अंदर और शामिल हों और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें। मेरे देखने के अंदर जिस तरीके लैंड्स पिछले 10 सालों के अंदर काफ़ी लोगों को जो है वो उन्होंने प्रॉफिट दिया। आप देख सकते हैं कि अगर पहले एक मरला अगर 500 हज़ार भी मिली थी आज से 10 साल या 8 साल पहले, लेकिन इस वक्त 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है। मैं आपको पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो कंट्री के मुताबिक बताना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक आने वाले वक्त के अंदर ये काफ़ी एक अच्छा जो है हमें प्रॉफिट जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू रिच गाय स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी व्हील एंड अदर रिच गाइज अपीयर। यानी कि अपने आप को और रिच जो है वो साबित करने के लिए जो है वो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीचे भी देख सकते हैं, उसके अलावा ये NFTs वगैरह में भी वाकई जो है वो शामिल हो रहे हैं, मेटावर्स के अंदर शामिल हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों के अंदर शामिल हो रहे हैं। थर्ड नंबर पर आपके साथ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, ज़करबर्ग साहब हैं, ठीक है। ये भी एक अपना जो है वो मेटावर्स का जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं कॉइन। तो जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में, अगर आप कोई वीडियो आपने मेरी देखी हो, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इन्होंने अपना जो है वो मेटावर्स का जो है वो एक कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर वो तैयार कर लिया था, लेकिन अब वो कॉइन्स के ऊपर जो है वो अपना जो है वो कन्वर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़करबर्ग मेटा अटेम्प्ट्स डैम 2.0। यानी कि इन्होंने अपना, ज़करबर्ग ने जो है वो 2.0 जो है वो अटैम्प्ट कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा इन्हें नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इसको जो है वो अच्छे से अच्छा, इसको जो है वो तरीके से इसको जो है वो तब्दील करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने $230 बिलियन जो है वो इसके अंदर इन्होंने शामिल किया था, लेकिन उसमें से 25% जो है वो ड्रॉप हो चुकी है वैल्यू स्टॉक्स की। लेकिन ये उस वक्त उन्होंने जब काम किया था उस वक्त, अब तो मार्केट डाउन आ गई है, तो इसलिए ये 25% जो है वो ड्रॉप कह रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर और जो है वो बढ़ेंगे, और इसके अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो तकरीब चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होंगी, और इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल करें। मेटावर्स डिवेल्प्स वर्चुअल क्वाइंस ऑफ यूजर्स ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसको भी इस्तेमाल करेंगे, और इससे भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इसमें चीज़ें शामिल होगी। यानी कि पिछले दिनों में 2021 के अंदर ये चीज़ ज़्यादा थी, फिर 2022 के अंदर आप देख सकते हैं कि टिकटॉक ने काफ़ी एक अपना जो है वो अच्छा वो है वो तक चेंज किया। आप यहाँ पर जैसे कंपटीशन लाइक्स टिकटॉक, यानी कि टिकटॉक ने स्ट्रगल किया 2022 के अंदर, और एक अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस हुआ। इसी तरीके से अब मेटावर्स जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी मेरे देखने में डिजिटल तौर पर। लास्ट में मैं आपके साथ जो है वो एक बुरी खबर जो है वो शेयर करूँगा। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा ताकि आप बोर ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईरान विल नॉट अलाउ क्रिप्टो पेमेंट्स, प्रिपेयर टू पायलट डिजिटल रियाल। यानी कि वो अपने डिजिटल रियाल के ऊपर इसको तरजीह देना नहीं चाह रहे, लेकिन अभी नहीं देना चाह रहे, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये अपना क्रिप्टो रियाल बनाएंगे। आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईरान विल नॉट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसीज
एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज इंडिकेटेड हिज स्टेटमेंट कम ऑन द सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान अनाउंस्ड रूल्स ऑफ द इशूज ऑफ डिजिटल क्वाइंस इन द कंट्री। थोड़े से उनके डिजिटल जो है वो मसाइल हैं जिन्हें वो अपना जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कंप्लीट करेंगे भी, कंप्लीट करने के बाद जो है वो इससे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल करेंगे। क्रिप्टो रियाल द फेज ऑफ विच शुड स्टार्ट द नियर फ्यूचर। वो क्रिप्टो रियाल तो अपना जो है वो कह रहे हैं कि भी फ्यूचर के अंदर नियर ही जो है वो अभी जो है वो अपना रियाल मुतारफ़ करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, कुछ मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से वो जो है वो ये नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर पेमेंट्स इज़ अ रेड लाइन ईरानियन मिनिस्ट्री से। वो अभी रेड लाइन दे रहे हैं लेकिन आस्ता आस्ता इसको जो है वो इन्हें जो है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थी आज तक की जो न्यूज़ थी। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा ताकि आप थोड़ा बोर ना हो, और अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल्स मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ, न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह हाफिज़।